हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से बताने वाला हूँ कि इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाता है, प्रत्येक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं तथा प्रत्येक सेंटेंस में यूज होने वाली ग्रामर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मैं बताने वाला हूँ। तो आप कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, मैं करता हूँ वीडियो की शुरुआत। वंस मीन्स एक बार। देयर वहां, वॉज था, आ एक, शैलर नाविक, एक नाविक था, नेम्ड नाम था, गुलीवर जिसका नाम गुलीवर था। तो एक नाविक था जिसका नाम क्या था, गुलीवर। तो ध्यान रखिएगा, नाविक हम उसे बोलते हैं जो पानी वाले जहाज से समुद्र की यात्रा करता है नई नई जगहों की खोज करने के लिए। ही वह है। वेंट गया। यहां पर गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया। जब किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है। ऑन ऑन पर, आ एक, लॉन्ग लंबी, वॉय इज समुद्री यात्रा, वह एक लंबी समुद्री यात्रा पर गया विद के साथ। हिज अपने, फेलो साथी, सीमैन समुद्री, वह अपने समुद्री साथियों के साथ एक लंबी समुद्री यात्रा पर गया। वन एक, डे दिन, देयर वहां, वॉज था, आ एक, फियर्स खतरनाक, स्टॉर्म तूफान, एट में, सी समुद्र, तो एक दिन समुद्र में खतरनाक तूफान आया। जब वह समुद्री यात्रा के लिए निकली तो एक दिन क्या हुआ कि समुद्र में खतरनाक क्या आया, तूफान आया। हिज उसका, शिप पानी वाला जहाज, सैंक डूब गया। ध्यान रखना है आपको, ये सिंक का सेकेंड फॉर्म है। सिंक मीन्स डूबना, सेंक मतलब डूब गया, तो सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा। उसका जहाज डूब गया। बट लेकिन, गुलीवर
लेकिन गुलीवर स्वयं तैर गया। ये स्विम का सेकेंड फॉर्म है, स्विम मतलब तैरना, स्वयं मतलब तैर गया। टू पर नियर बाई पास के, गुलीवर तैर कर पास के आइलैंड टापू, उसका जहाज डूब गया लेकिन गुलीवर तैर कर पास के टापू पर पहुंच गया। टापू मीन्स ऐसी जमीन जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो, उसे टापू बोलते हैं। इट यह वॉज था कॉल्ड कहा जाता, उस टापू को क्या कहा जाता था, लिली पुट, लिली पुट। जिस टापू पर गुलीवर पहुंचा था उस टापू को लिली पुट कहा जाता था। वेन जब ही वह रीच्ड पहुंचा, ये रीच का सेकेंड फॉर्म है, रीच मीन्स पहुंचना, रीच मतलब पहुंचा, देयर वहां, जब वह वहां पहुंचा, ही वह कौन, गुलीवर वॉज था वेरी बहुत टायर्ड थका हुआ, जब वह वहां पहुंचा तो वह बहुत थका हुआ था। जल्द ही फेल एस्लीप सो गया, वह जल्द ही सो गया। वाइल जब ही वह वॉच था स्लीपिंग सो रही, या रहा, तो जब वह सो रहा था हंड्रेड्स सैकड़ों ऑफ का बेरी बहुत टिनी छोटे छोटे पीपल लोग कैम आई, ध्यान रखिएगा ये कम का सेकेंड फॉर्म है, कम मीन्स होता है आना, कैम मीन्स आई, देयर मीन्स वहां। तो जब वह सो रहा था तो सैकड़ों छोटे छोटे लोग वहां पर आए, एंड और टाइड बांध दिया, हिम उसे, विद के साथ, रोप्स रस्सियों, उन छोटे छोटे लोगों ने क्या किया, उसे किसे, गुलीवर को रस्सियों से क्या किया, बांध दिया। वेन जब ही वह मीन्स गुलीवर वोकअप जागा, जब गुलीवर जागा, ही वह वॉज था सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित,
जैसे ही वह जागा वह आश्चर्यचकित था। टू सी, देखकर। टू सी, देखकर। सच, इस तरह। टिनी, छोटे छोटे। पीपल, लोगों। तो जब वह जागा तो वह इस तरह के छोटे छोटे लोगों को देखकर आश्चर्यचकित था। ही, वह। सून, जल्द ही। विकैम, हो गया। फ्रेंडली, दोस्ताना। विद, के साथ। देम, उनके। वह जल्द ही, कौन, गुलीबर, वह जल्द ही उनके साथ दोस्ताना हो गया, या कह सकते हैं हम उसने जल्द ही उन छोटे छोटे लोगों के साथ दोस्ती कर ली। दे, उन्होंने। किसने, छोटे छोटे लोगों ने। अनटाइड, खोल दिया। उन्होंने खोल दी, क्या खोल दी, रोप, रस्सियां। उन छोटे छोटे लोगों ने रस्सियां क्या कर दी, खोल दी। एंड, और। गैप, दिया। गिप का सेकेंड फॉर्म होता है गैप, कि मिस देना, गैप मिस दिया। हिम, उसे। फूड, भोजन या खाना। उन छोटे छोटे लोगों ने क्या किया, उसकी रस्सियों को खोल दिया और उसे खाना दिया या भोजन दिया। देयर, उनके। किनके, छोटे छोटे लोगों के। लोब्स, निवाले, या जिसे हम बोलते हैं रोटी का टुकड़ा या निवाला, बातें की है, टुकड़ा बोलो या निवाला। ऑफ, का। ब्रेड, रोटी का। वर, था। शो, इतना। टिनी, छोटा। तो उनके, उनके किनके, छोटे छोटे लोगों की। रोटी के टुकड़े या रोटी के निवाला इतना छोटा था। दैट, की। ही, वह। एट, खा गया या खा लिया। टेन, दस। लोब्स, निवाले। एट अ टाइम, एक ही समय पर। तो उनके रोटी के निवाले इतने छोटे थे कि वह एक बार में ही दस दस निवाले खा गया। फॉर, में। लंच, दोपहर का भोजन। दोपहर के भोजन में। ही, उसने। किसने, गुलीबर ने। एट, खाया। आ, आगे देखिएगा। दोपहर के भोजन में उसने क्या खाया, देखिए। थाउजेंड, हजारों। ऑफ, को। ब्रेड, रोटियों। उसने दोपहर के भोजन में हजारों रोटियां खाई। हंड्रेड, सैकड़ों। कली फ्लावर, फूल गोभी।
सैकड़ों फूल गोभी खा गया, हजारों रोटियां खा गया एंड और हंड्रेड सैकड़ों सी भेड़ों द टिनी पीपल छोटे छोटे लोग टुक ले गए हिम उसे छोटे छोटे लोग उसे ले गए टू देयर अपने किंग राजा एंड और क्वीन रानी छोटे छोटे लोग उसे अपने राजा और रानी के पास ले गए द किंग्स राजा ध्यान रखिएगा ये अपोस्ट्रोफ है और उसके बाद एस लगा है तो उसका अर्थ होता है का की के तो राजा की या राजा का हैंड मीन्स हाथ वॉच मीन्स था शो मीन्स इतना टिनी मीन्स छोटा राजा का हाथ इतना छोटा था दैट की गुलीवर हैड टू यूज इस्तेमाल किया ओनली केवल वन एक फिंगर अंगुली टू शेक हैंड हाथ मिलाने के लिए तो पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या होगा कि राजा का हाथ इतना छोटा था कि गुलीवर ने केवल एक अंगुली का इस्तेमाल किया किसके लिए हाथ मिलाने के लिए एवरीथिंग सब कुछ वॉज था शो इतना स्मॉल छोटा सब कुछ इतना छोटा था दैट की ही वह कौन गुलीवर वॉज था लाइक के जैसा के जैसा आ जाइंट दैत्य की तरह या हम बोल सकते हैं राक्षस की तरह सब कुछ इतना छोटा था कि जो गुलीवर था वो दैत्य के जैसा दिख रहा था अमंग के बीच में किसके बीच में दैत्य जैसा दिख रहा था द टिनी पीपल छोटे छोटे लोगों के बीच में छोटे छोटे लोगों तो सब कुछ इतना छोटा था कि वह छोटे छोटे लोगों के बीच में दैत्य जैसा दिख रहा था ऑफ लिलीपुट वो छोटे छोटे लोग कहां के थे कि कहां के थे लिलीपुट दीज ये या वे टिनी पीपल छोटे लोग वे छोटे लोग
वर थी, वेरी बहुत, काइंड एंड हेल्पफुल वो छोटे लोग बहुत थे, कैसे काइंड दयालु, एंड और हेल्पफुल मदद करने वाले, मदद करने वाले वो छोटे छोटे लोग मदद करने वाले और बहुत ही कैसे थे दयालु थे, दे उन्होंने मेड बनाई, ध्यान रखिएगा मेक का सेकेंड फॉर्म है मेट, मेक मीन्स बनाना, मेड मीन्स बनाई, अबोट अमीन्स एक, बोट मीन्स नाव, उन्होंने एक नाव बनाई फॉर के लिए, हिम उसके लिए, उन्होंने उसके लिए क्या बनाई नाव बनाई, इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था, टाइम मीन्स समय, यह समय था, फॉर के लिए, किसके लिए गुलीबर, टू लीव छोड़ने का, टू लीव छोड़ने का, फॉर के लिए, होम घर, तो गुलीवर के लिए यह समय उस जगह को छोड़कर जाने का था, कहां जाने का, फॉर होम अपने घर जाने का, ही मीन्स वह, अब उसने उस जगह को छोड़ दिया अपने घर जाने के लिए, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, सैड मीन्स दुखी, वह दुखी था, कौन गुलीवर, टू लीव छोड़कर, हिज फ्रेंड अपने दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे लोगों से उसकी क्या हो गई थी दोस्ती, तो वह अपने दोस्तों को छोड़कर जाने की वजह से क्या था दुखी था, ही मीन्स वह, गॉट मीन्स चढ़ा, इनटू में या पर, द बोट नाव, वह नाव में चढ़ा, एंड और, शेल्ड ऑफ, एंड शेल्ड ऑफ निकल पड़ा, शेल्ड ऑफ मीन्स निकल पड़ा, द टिनी पीपल छोटे लोगों ने, या छोटे छोटे लोगों ने, वेब्ड कहा, हिम उससे, किससे गुलीवर से, गुड बाय अलविदा, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश बोलना पढ़ना और समझना आ जाएगा, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश धमाका पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, या उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने एक ना एक साथी या परिवार में अवश्य भेजें, थैंक यू सो मच।